जी बताइए, जैसे कल मौलाना ने एक बयान दिया था, मौलाना सलमान नदवी ने कहा था कि भाई आपस में बैठ करके इसका सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन कुछ बयान यह है कि भाई मौलाना ने गलत कहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है बताइए। देखिए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जो हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने जो फार्मूला सुधाया है, वो यकीनन जितना उसका स्वागत हो, जितना उसका इस्तकबाल किया जाए, वो कम है। क्योंकि आज देश को जरूरत है एकता की, इत्तेहाद की, आपसी सौहार्द की, मानवता की। देखिए, कोई भी मामला चाहे कितना ही पेचीदा हो, बातचीत से सॉल्यूशन हो जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। वो अलग बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी, लेकिन पक्षकारों के बीच अगर आपसी सौहार्द से कोई समझौता हो जाता है तो ये बेहतर होगा। आज सबसे बड़ी बात है, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं। उनका सभी जगह बहुत पूरा लोग उनका हाई उलेमा इकराम उनका इस्तकबाल भी करते हैं, मान भी करते हैं, सम्मान करते हैं और उनकी बात को मानते भी तो हैं। इसमें क्या लगता है आपको, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से निकाले गए कि भाई उससे बयान दिया है इन्होंने, उससे नाराज देखिए हो? देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा पूरा राइट है। मौलाना ने तो वो काम करके दिखाया है जो कि एक मानवता, इत्तेहाद, एकता का पैगाम दे, भाईचारा कायम हो। बहुत कुछ हो चुका है इस विवाद को लेकर, बहुत कत्लेआम हो चुका है, बस अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। इस बात को लेकर राजनीति खत्म होनी चाहिए। अब जरूरत है दिलों को जीतने की। और मौलाना सलमान साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने कहा है साहब कि जो हम्बली हमारा एक मसलक है, उसके अंदर एक गुंजाइश है कि मस्जिद को कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है या उसकी लैंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, बींगे में उनका एडवोकेट भी हूँ मौलाना सलमान साहब नदवी साहब का, और मैंने जहाँ तक मैंने उनको सोच समझा है, देखा है, उनको पढ़ा है, तो उन्होंने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई